नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और स्वागत है आप सभी का टेक्नोमिथ में। आज हम बात करने वाले हैं MI के नए फ़ोन के बारे में, जिसमें आपको एक नई कमाल की फीचर्स देखने को मिलेंगी जो कि सिर्फ MI के इस वाले फ़ोन में ही है। इसमें आपको बैक साइड पर छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलेंगी जो कि सैमसंग के फ़ोन में भी है, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके से है। इसमें आपको जो कैमरा है पीछे वाले, उसके नीचे छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हालांकि बाकी फ़ोन में थोड़ी बड़ी डिस्प्लेस होती हैं, लेकिन इसमें इस डिस्प्ले का कुछ अलग ही रोल है। जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे कि पीछे वाली साइड भी छोटी सी डिस्प्ले लगी है, जहाँ पे आपको टाइम और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टाइम, डेट, और आपके कोई अलार्म है, आपका कोई रिमाइंडर है, या आपकी कोई नोटिफिकेशन आ रही है फेसबुक से, व्हाट्सएप से, या किसी भी साइट से, तो वो भी आप पीछे वाले छोटी सी डिस्प्ले में देख सकते हैं। और ये वाला फ़ोन अभी इन्होंने लॉन्च करने की सोची नहीं है MI ने, हालांकि इनके पास इस फ़ोन का पेटेंट है कि यही इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं। और अभी इन्होंने बताया है कि ये अभी इस फ़ोन को लॉन्च कर भी सकते हैं और नहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर इसमें कोई टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ तो ये फ़ोन लॉन्च बाद में भी होगा, अगर इसमें सब कुछ ठीक चला गया तो ये फ़ोन अभी ही लॉन्च हो जाएगा। तो बात करते हैं इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में और ये फ़ोन किस फ़ोन से रिलेटेड इन्होंने बनाया है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसमें 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा और पीछे आपको 3 कैमरे मिलेंगे, 20 मेगापिक्सल, 16 और 8 मेगापिक्सल के। तो अभी इसमें कोई फिक्स नहीं है कि फ्रंट कैमरा होगा या नहीं होगा। फ्रंट कैमरा आपको इन डिस्प्ले भी मिल सकता है और पॉपअप भी मिल सकता है। 6.2 इंच की इसकी HD की डिस्प्ले होगी और इसमें आपको काफ़ी स्लिम ये वाला फ़ोन होने वाला है, और पीछे आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हाई क्वालिटी इसका ग्राफिक होंगे और इसकी रैम, रोम, जो भी इसका बाकी के स्पेसिफिकेशन हैं वो MI मिक्स अल्फा जो 2019 का मॉडल है उसकी तरह बिल्कुल सेम फ़ोन होने वाला है। और ये फोल्डेबल एक फ़ोन नहीं है, हालांकि कुछ वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि ये फोल्डेबल फ़ोन है, फोल्ड हो जाता है, जैसे कि सैमसंग का फ़ोन भी फोल्ड हो जाता है, लेकिन ये फ़ोन फोल्ड नहीं होता है। इसमें सिर्फ ऐसे पीछे वाली साइड पर डिस्प्ले लगी है, लेकिन फोल्डेबल फ़ोन अभी नहीं है। और इसमें कॉम्पैक्ट मोड भी नहीं होने वाला है। कुछ वीडियोस में आपको बता रहे हैं कि कॉम्पैक्ट मोड होगा, ये फोल्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कॉम्पैक्ट मोड नहीं होने वाला है, तो पीछे वाली डिस्प्ले है वो ऐसे ही वर्क करेगी और आगे वाली डिस्प्ले के साथ भी वो वर्क करने वाली है। और बात करें इसकी फिंगरप्रिंट स्कैन सेंसर की, तो इन डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें मिल जाएंगे और USB Type-C का पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और पॉपअप कैमरा होगा, इन डिस्प्ले कैमरा भी हो सकता है। इसमें कोई अभी फिक्स नहीं किया इन्होंने कौन सा वाला कैमरा इसमें आपको मिलेगा। और बात करते हैं फ़ोन की बाकी फीचर्स के बारे में, तो 3 इंच की आपको पीछे सेकेंडरी डिस्प्ले मिल जाएगी। इसमें दो डिस्प्ले होने वाली हैं, एक पीछे वाली साइड, एक आगे वाली साइड। और इसमें अल्ट्रा परफॉर्मेंस ग्राफिक आपको मिलेंगे, जिसमें आप PUBG हाई रेजोल्यूशन में खेल सकते हैं। 6 या 8 GB की रैम होने वाली है और 64 और 128 इसकी रोम होने वाली है। 2 मिनट में फ़ोन आता है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।